हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मुझे जाना है मार्केट और अभी क्या बज रहा है, टाइम हो रहे हैं 11:15 और जल्दी से खाना वगैरह बना के फिर मुझे निकलना है, शिखा के साथ जाना है और मैं सोच रहा हूँ लक्ष्मी नगर जाने के। और लक्ष्मी नगर है दूर थोड़ा सा, हम लोग वैसे तो मेट्रो से जाएंगे, तो दोपहर का सोच रहा हूँ उनका खाना वगैरह बना के फिर निकलूँ। और शिखा की आज छुट्टी भी नहीं थी, शिखा ने छुट्टी ली अपने ऑफिस की, शायद आपको बताया भी नहीं है कि उसने ना टाइम्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया फिर से, मतलब वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फिर से काम करने लगी है। बहुत देर हो जाएगी, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। जल्दी जल्दी काम करके खाना वाना बना के उसने बोला 12 बजे तक दीदी यहाँ से निकल जाना है, लेकिन 11:15 तो वैसे हो गए, मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा हो पाएगा। मुझे थोड़ी देर उसके घर भी जाना है, कुछ काम है, और वो सोच रही है कि मैं 12 बजे से पहले पहले उसके घर पहुंच जाऊं। जल्दी जल्दी काम करती हूँ, फिर आपसे रेडी होने के बाद लेती हूँ। मैं बनाऊंगी अभी दाल चावल, मसूर की साबुत दाल बना रही हूँ। साबुत मसूर होती है ना जो ब्राउन वाली, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अच्छा लगता है उसका टेस्ट। पर मुझे लगता नहीं कि मैं जाने से पहले खा पाऊंगी, क्योंकि अभी तो भूख भी नहीं लग रही, 12 बजे भूख लगती नहीं है। इन लोगों का बना के रख के चली जाऊंगी, ये लोग खा लेंगे। चलो बस सर, तैयार मैं हो गई, खाना वगैरह बन गया, निकलना है, शिखा के घर जाना है पहले, तो उसके बाद फिर चलेंगे मार्केट। और हम सोच रहे हैं आज मेट्रो से जाएंगे, कैब करके नहीं जाएंगे, क्योंकि ना मेरी उंगली आ रही है, कैब करके थक जाता है। मेट्रो से ना 20 मिनट लगते हैं दिल्ली तक जाने में। पेट बंद कर लो। पहले तो मैंने ऑटो ही ली तो शिखा के घर तक जाने के लिए। ऑटो दिखाने का मेन रीज़न था कि मुझे ना ऑटो वाले ने जो पीछे ये एक शील्ड सी लगा रखी है, प्लास्टिक की शील्ड, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। शायद ये विंटर से बचाने के लिए होगी, या फिर ठीक है जैसे कोविड वाला टाइम है तो आगे से हवा पीछे तक जाती है तो फिर वो भी नहीं आएगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 केबिन बन गए आगे और पीछे के, एकदम सेफ। तो बस निकल रही हूँ, 5 मिनट लगते हैं वैसे, अगर मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है उसका घर, लेकिन मुझे जाना जल्दी है तो इसलिए ऑटो लेना पड़ा। 5 मिनट का मतलब ऑटो से अगर हम निकलते हैं तो 5 से 7 मिनट लगते हैं, और अगर पैदल जाएं तो लग जाते हैं 15 से 20 मिनट। तो जल्दी थी इसीलिए ऑटो ले लिया मैंने। वैसे भी ना आजकल ठंड ऐसी है कि बाहर निकलो तो गर्मी लगती है, घर घर में ठंड लगती है, तो बाहर निकलते एकदम से गर्मी फील होने लगी थी। शिखा के घर से निकली थी, फिर लक्ष्मी नगर आ गए, वहाँ पर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बहुत भीड़ भाड़ वाला मार्केट है, थोड़ा बहुत बाहर से ही मैंने शूट किया था। और वैसे एक बात बताऊँ, मॉल्स वगैरह में आप शॉपिंग कर लो, ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, लेकिन जो मज़ा लोकल मार्केट से शॉपिंग करने में ना, वो कहीं भी नहीं है। क्योंकि एक तो बार्गेन अच्छे से हम लोगों को करने को मिल जाता है, हमें बड़ी तसल्ली होती है, थोड़े से भी 2-4 रुपये अगर शॉपकीपर कम कर लेता है तो। ऐसे ही जैसे होता है ना कि हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो सब्ज़ी में सब्ज़ी वाला जब तक धनिया और मिर्ची नहीं डालता है ना, तब तक हम लोगों को ना तसल्ली नहीं होती। हमें सुकून तभी मिलता है जब हमें सब्ज़ी के साथ धनिया और मिर्ची फ्री मिलती है। तो ठीक इसी तरीके से ही हमें भी थोड़ा बहुत कंसेशन वगैरह जो मिल जाता है ना, वो लोकल मार्केट में मिल जाता है। अगर सामने वाले भैया ने हमें कोई चीज़ 150 रुपये की बताई है, हम जब तक उसको 125 की ना करके उस शॉपिंग कर लेना, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो ये हम सभी के साथ होता है और मज़ा भी बहुत आता है। एक तो घूमने को बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, मार्केट में क्या है, क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। मॉल्स में ये है कि आप जाओ, हर चीज़ खूबसूरती से तरीके से रखी हुई सजी हुई ज़रूर मिलेंगी, लेकिन वहाँ बार्गेन नहीं कर सकते हो, हर चीज़ फिक्स प्राइस पे होगा। वहाँ आप ये भी नहीं कह सकते हो कि भाई इतने प्राइस का है तो इतना कम कर लो, जो फिक्स है वो फिक्स है। तो वहाँ की शॉपिंग और लोकल मार्केट की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग में ये होता है कि हम लोग कहीं घूम नहीं सकते हैं, बाहर आसपास क्या चल रहा है ये सब नहीं पता चलता है, नई नई क्या चीज़ें आ रही है वो भी इतना आइडिया नहीं लग पाता है, वो मार्केट में जाकर ही मालूम पड़ता है। और थोड़ा सा मन भी फ्रेश हो जाता है घर में रह रह के, जैसे एक जैसी लाइफ हो जाती है ना, तो उससे भी थोड़ा बाहर निकल के फ्रेश फील करने लग जाते हैं। मुझे भी बहुत दिनों बाद निकली हूँ, लोकल मार्केट की शॉपिंग तो मैं समझो भूल ही गई हूँ, क्योंकि आसपास का जो मार्केट है नोएडा का, मुझे कोई खास ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो बस थोड़ी बहुत ही फिर जो शॉपिंग होती है कभी कभी ऑनलाइन कर लेती हूँ, मॉल से मेरी तो कम ही शॉपिंग होती है, विवेक की या तविशी की ही होती है। शॉपिंग हम लोग करके आ गए हैं और थोड़ा बहुत सामान मैं लेके आई हूँ, थोड़ा बहुत शिखा लेके आई है। मैंने तो अपना पैक करके रखा हुआ, घर जाकर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। शिखा का दिखा देते हैं, शिखा क्या लेकर आई है। ज्यादातर तो वो टॉयज ही लाई है, हाँ, है ना, वो तो खैर क्या दिखाने,
लेकिन जो तूने लिया है थोड़ा बहुत सूट वगैरह का फैब्रिक भी आपके वाला ही सेम है, मैंने और इसने ना इस बार फैब्रिक जो बिल्कुल सेम लिया है और बहुत अच्छा मिला। हाँ बहुत एकदम से देखते ही पसंद आ गया था, बहुत ही अच्छा है। और बाकी कॉस्मेटिक में वो बिंदी शिंदी जो होती हैं औरतों की जरूरत का सामान, हाँ मैं दिखाती हूँ क्या क्या लिया है ना। हाँ दिखा, ये दिखा हैंकी, ये जो बाबू के लिए आए हैं, स्कूल जाता है ना वो, उसके लिए बहुत ही क्यूट है, कॉटन के और बहुत सारे कलर्स हैं उसमें, तो मुझे बहुत अच्छे लगे वहाँ। और मुझे कह रही है तविशी के लिए ले लो, बताओ। हाँ इतने क्यूट क्यूट। फिर भी बोल रहे हैं एक लेके चली जाना तविशी के लिए, फिर बताना फिर आपको बोलेगी यही लाने थे मम्मा। वो दिखा और जो फैब्रिक लिया हमने, ये हमने फैब्रिक लिया, मैं चाय पी रही थी, प्रतिदिन पीनी नहीं दी। तू वैसे भी गर्म नहीं पीती। ये फैब्रिक हमने लिया है, ये सिल्क है। हाँ सिल्क है, सिल्क के साथ वार्ली पेंटिंग हो रखी है, वार्ली प्रिंट है। ये बॉटम मैच किया, दीदी को दूसरा बॉटम पसंद आया था, मैंने थोड़ी बहसा बहसी करके ये वाला बॉटम लिया। हाँ तो मतलब हम दोनों ने फिर सेम ले लिया। हाँ क्योंकि बहुत पैंट बनवाएंगे, अब जब बनेगा ना तब देखना ये कितना अच्छा लगने वाला है। हाँ और इस पर मैं दुपट्टा मैच करने वाली भागलपुरी, क्योंकि ये वैसा कपड़ा है थोड़ा सिल्क, इस पे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इस पे ना भागलपुरी जो वो होता है दुपट्टा वो बहुत अच्छा लगता है। इस पे ब्लैक भी अच्छा लगेगा क्या? मेरे पास जो चिड़ियाओं वाला ब्लैक, अच्छा ब्लैक नहीं जाएगा, इसका पूरा वो खराब हो जाएगा, या तो नीचे बॉटम भी ब्लैक होता, ग्रीन ही देखेंगे फिर। हाँ ये डार्क ऑनलाइन मिल जाएगा, हाँ आराम से डार्क ग्रीन में मिल जाएगा, वहाँ मार्केट में मिला नहीं जो हम सोच रहे थे ना। हाँ वैसा, हाँ इस हिसाब का। और ये लाइनिंग लिया है, तो लाइनिंग है, बाकी टॉयज वगैरह हो गए। ये काफी अच्छा मिला, हम दोनों सोच ही रहे थे कपड़ा लेके आना है ताकि हम लोग वो कर सके। तविशी की ड्रेस ली है, तविशी का टॉप लिया है, वो सब दीदी घर जाकर दिखाऊंगी क्योंकि सब बंद पड़ा है, सब पैक्ड है। खोल दूंगी ना यहाँ पे तो फिर इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा सामान। हाँ सब दीदी का है, वो घर जाके दिखाएगी। हमने मेनली इस बार तविशी के लिए शॉपिंग किया, हम गए हम उसी लिए थे, मैं सोच कर यही गई थी कि तविशी के लिए ही लाना है, और जो सोचा था वो मिल गया। अभी घर जाके चेक करना है कि उसको फिटिंग वगैरह साइज वगैरह ठीक है कि नहीं, बस हम उसके लिए सब्स्टिट्यूट भी दे रहे हैं, मैं अपना एक लहंगा दे रही हूँ एक। हाँ बस हाँ तो शिखा का एक लहंगा है, दिखाते हैं ये। हाँ ये ऐसे कलर है ये अभी, हाँ ये कैमरा पे इतना अच्छा नहीं लग रहा, ये जब ओपन होगा कि मैंने ड्राई क्लीन करवा के रखा हुआ है, तो जब ये ओपन होएगा तो ये बहुत सुंदर केन केन है, बिल्कुल लड़की मतलब गर्लिश कलर है बिल्कुल, और बिल्कुल हैवी नहीं है बिल्कुल भी, इसको पहन के कि बहुत ही भारी है या कुछ है। हाँ इसकी मैचिंग का फिर मैंने एक टॉप भी लिया है, तो हमें शायद शादी में जाना पड़े तो उसके लिए मैंने दो ऑप्शन रख लिए, या तो वो लहंगा पहनना चाहेगी ये वाला ले लेगी, नहीं तो मैंने एक पूरा उसके लिए गाउन भी खरीदी है, वो गाउन पहनना चाहेगी तो गाउन भी वो ले सकती है, वो उस पे है। और मैं ना ये शिखा की साड़ी लेकर जा रही हूँ, देखो चैन तो है नहीं मेरे पास, बहुत है साड़ियाँ लेकिन फिर भी डिफरेंट चाहिए था, तो ये रेड कलर की साड़ी, जब तक बहन से ना मांग लो ना चैन नहीं मिलता, मजा नहीं आता ऐसे। और ये कैमरा में यार इतनी सुंदर नहीं लग रही, ये जो कलर है ना ये बहुत सुंदर है, ये कलर नहीं है जो रस्ट कलर दिखा रहा है इसको, नहीं ये रस्ट नहीं है एक्चुअली, आप पॉलिथिन में है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, जब पहन के आप इसको ओपन करके दिखाओगी। हाँ तब बहुत अच्छा, वो डिजाइनर साड़ी है बहुत ही अच्छी, इसमें मैं पिंक और रेड का काम हो रखा है, तो इसके मैचिंग का मेरे पास पहले से ही एक ब्लाउज है डिजाइनर, वो मैं पहनूंगी, देखते हैं क्या होता है। काजल फैल गया है थोड़ा थोड़ा, और अब की अपनी जो मैंने शॉपिंग की है लक्ष्मी नगर गई थी ना जैसे मैं, तो वहां से जो जो सामान लाई हूँ जो मतलब आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है वो सब मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है। ठीक है ये देखो, सबसे पहले तो ना मैंने ये तविशी के लिए ना गाउन खरीदी है, ये मैं बाद में कभी दिखाऊंगी, अभी तो मैं इसे ओपन नहीं कर रही हूँ, ठीक है थोड़ी सी वो ढंग से बाद में आपको दिखाऊंगी जब वो पहनेगी, तो अभी बस हल्का सा आपको दिखा रही हूँ कि ये कुछ ऐसी है, इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हो रही है, तो देखते हैं अभी हमें एक शादी में जाना है तो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है। और मैंने तो कुछ लिया नहीं है क्योंकि मुझे कुछ ऐसा खरीदना नहीं था, मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ मैं शिखा की साड़ी पहनूंगी, उसकी साड़ी बहुत ही अच्छी है बहुत ही सुंदर, तो सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन जैसे शिखा ने खरीदा है ना सूट सेम वैसे ही मैंने, हम दोनों को बहुत पसंद आ गया था, सिल्क का है ये और इस पे वार्ली प्रिंट हो रखा है, बहुत ही खूबसूरत है, और ये इसकी पैंट होगी देखो, ये दोनों इसके साथ का ना दुपट्टा नहीं मिल रहा है क्योंकि कलर ही कुछ अलग सा है डिफरेंट सा है,
तो जब इसका कुर्ता मैं बनवाऊंगी ना तब आप देखिएगा कितना ये स्मार्ट लगने वाला। कलर इसका बहुत ज्यादा सुंदर है, देखते ही पसंद आ गया था। पहले मैंने ना एक कॉटन का देखा था, पूरा सूट का जो सेट होता है दुपट्टा पैंट और कुर्ते का पूरा सेट था फैब्रिक, लेकिन वो देखा वो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मैं उसको ले लूंगी। लेकिन फिर एकदम से नजर मेरी इस पर पड़ी, मैंने कहा अरे मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी मुझे वार्ली प्रिंट में ही ना कोई साड़ी या फिर कोई मुझे ना सूट वगैरह मिल जाए। इस वार्ली प्रिंट में मेरे पास साड़ी तो है लेकिन सूट नहीं था, तो ये मैंने ले लिया और बहुत सुंदर है। अभी तो मैंने सोचा भी नहीं से कैसे बनवाना, पैंट में थोड़ी स्टाइल वाली बनवाऊंगी। ये हो गया। फिर इसके बाद मैंने क्या लिया, मतलब मैं जो सब कुछ सोच के गई थी ना कि मुझे लक्ष्मीनगर में से लेना है वो सब मुझे मिल गया। लक्ष्मीनगर में सबसे अच्छी बात ये होती है आपको जो चाहिए ना आपको सब मिलेगा, इतनी वैरायटी होती है, आप अपनी रेंज आपकी चाहे कम हो या ज्यादा अपने हिसाब से सब सामान मिल जाएगा। फिर एक ये टॉप लिया है तवीशी के लिए, इसमें पूरे में ना आगे ऐसे शाइन शाइन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो एक ये लिया है। इसमें यहाँ पर ऐसे काम हो रखा है, बहुत ही प्यारा आगे इस तरीके से यहाँ पे दो पल्ले हैं और लॉन्ग में है ये, तो ये मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा शाइनिंग शाइनिंग वाला। प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, शायद 450 में मिल गया ये। ठीक है, ये मिला। और क्या लिया मैंने, और तो मैंने कुछ खास चीज़ें जो हैं वो हैंकी लिए, हैंकी क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं और ये बड़े बड़े वाले हैंकी हैं, तो ये 12 का सेट है, ये मुझे अच्छा लगा था, तभी स्कूल जाया करेगी तो सबके लिए है ना। और मैंने बाकी, हाँ बाकी मैंने ना बिंदियाँ ली हैं क्योंकि मेरे पास बिंदी का जो कलेक्शन है बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मुझे अच्छा लगता है, मतलब आप साड़ी पहनो कुर्ती पहनो ना, और इस बार जो साइज़ लिया ना बिंदी का थोड़ा सा बड़ा लिया और ये ना बहुत ही अलग अलग से इसमें शेड्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, बहुत सुंदर लग रही थी। 10-10 रुपये में मिल गई, ये देखो एक ऐसी ली है मैंने, हमेशा मैं छोटी लेती हूँ, इस बार थोड़ा सा साइज़ ना बड़ा लिया है, एक तो बहुत ही बड़ा लिया, ये देखो है ना सुंदर, ये भी मैं कभी कभी लगा लिया करूंगी। एक मैं लॉन्ग में लाई हूँ, ऐसी मेरे पास गोल में होती है, मैंने इस बार थोड़ा सा ओवल शेप में ली है, तो ये चीज़ मैंने ली, ये भी ज़रूरी थी क्योंकि बिंदी ना थी नहीं यहाँ, फिर कहीं मुझे मार्केट पता नहीं है, पता भी है तो फिर मतलब मुझे मेरी चॉइस की नहीं मिलती, तो इस वाली शॉप में वहीं पर लक्ष्मीनगर में एक शॉप है ना वहाँ से मुझे सारे प्रोडक्ट्स जो भी मुझे चाहिए ना, कॉस्मेटिक हो कुछ भी हो, वो सब वहाँ से मुझे अच्छा मिल जाता है। और सबसे आखिर में मेरा फेवरेट, मैं नेल पेंट कभी भी लेना नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि मुझे नेल पेंट का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा, और मुझे नेल जूस के ही आजकल नेल पेंट अच्छे लगते हैं, तो सूखते बहुत जल्दी हैं, मतलब आप अपने फिंगर्स पे लगा आपको वेट नहीं करना पड़ता है, 50 रुपीज़ में आ जाते हैं। तो ये वाला कलर लिया मैंने, थोड़ा सा मस्टर्ड सा ये कलर है अलग सा, तो ये लिया है मैंने। बाकी सब और छोटा मोटा जो लेडीज़ का सामान होता है ना पर्सनल वाला, वो सब लिया, वो मैं दिखाऊंगी, तो ये सारा मैंने सामान लिया है। और बहुत जल्दी हम लोग यहाँ से जैसे निकले थे ना तो कितना 45 मिनट्स भी नहीं लगे थे, हम लोग लक्ष्मीनगर पहुँच गए थे नोएडा से, आने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 40 मिनट्स लगे थे, और मतलब हमें थकान नहीं हुई मेट्रो से जाने में, सबसे अच्छा ये फ़ायदा रहता है मेट्रो का। अगर कैब करके जाओ ना, सच में मुझे तो कैब में बैठ के ही चक्कर आने लग जाते हैं, सर में दर्द हो जाता, वॉमिटिंग जैसा फील होता और लगता है मैं कितना ज़्यादा थक गई, और मुझे आज थकान नहीं महसूस हुई, मतलब वैसे तो लग रही है हल्की फुल्की थकान, लेकिन जब बाहर जाते हैं ना और वो जो सर में दर्द होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और आज मेरे सर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, ये चीज़ अच्छी हो गई मेरे साथ। तो यहाँ पर ये सारी शॉपिंग है जो मैंने की है, तो यहीं पर अब अपने वीडियो का एंड करूँगी, मुझे नहीं लगता कि मैं आज वीडियो को एडिट कर पाऊँगी क्योंकि 8 बज चुके हैं, अभी खाने वगैरह का भी देखना है, मतलब पहुँच तो मैं 5:30 ही गई थी, फिर शिखा के घर बैठी, फिर आने में वही होता है ना बहन के साथ बातें करने लग जाओ, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला गया है, तो अभी खाना बनाऊंगी, उसके बाद वही है, आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, 10 तो मुझे बच जाएंगे, फिर एडिटिंग करने का मेरा मन नहीं है, हो सकता है कि कल वीडियो मैं एडिट करूँ, और हो सकता है कि कल लेट अपलोड करूँ, मतलब पब्लिश लेट होगा, या फिर परसों होगा, काफ़ी दिन का गैप आ गया है मुझे पता है, और आपके कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, आपके वीडियोस नहीं आ रहे, आपके वीडियोस नहीं आ रहे, आप ठीक हो, मुझे इस चीज़ का बहुत डर लगता है कि आपको फिर एकदम से परेशानी होने लग जाती है, मतलब आपको परेशानी नहीं क्या बोलना चाहिए, आपको फिक्र होने लग जाती है कि मैं कहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, ठीक ठाक मैं हूँ, बस यही है कि थोड़ा सा आज के वीडियो में थोड़ी मैं बिजी हो गई, सुबह से ही आज निकली हुई थी ना, तो एडिटिंग का आज टाइम नहीं हो पाएगा, तो यहीं पर ही अब अपने वीडियो का एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, कौन कौन लोग हैं जो लक्ष्मीनगर से शॉपिंग करने, ये भी बताना, बहुत सारे लोग हैं मुझे लक्ष्मीनगर पांडव नगर ईजली से जो मुझे फॉलो करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।